रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान में आप सुन रहे हैं अनीता गौड़ को हमारे कार्यक्रम काम की बात में। तो दोस्तों बोलो जुबां केसरी। हाँ, आजकल हमारे यहाँ इसी तरह तो वेलकम करने का चलन है, जिसे अपनाकर अपनी जुबां केसरी करने वालों ने अपना कमाल दिखा ही दिया। भाई इसी जुबां केसरी ने कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के भी छक्के छुड़ा दिए। खबर है कि गुटखा पीक से हावड़ा ब्रिज कमज़ोर हो गया है। इसे कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। लेकिन वहाँ के IAS अफसर ने अपना दम दिखाया शाहरुख खान, अजय देवगन और अमिताभ बच्चन से जवाब मांग कर, और तीनों ने हाँ में जवाब दिया। ऐसा भी नहीं हुआ, हमें तो लगा कि तीनों ने मुंह में गुटके के घोल बना रखे हों, इसलिए उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जो भी हो, जुबा केसरी से ब्रिज केसरी तो हुआ ही, अब ब्रिज धसरी भी हो गया। और ये कहते हैं जुबा एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। इनकी भी सेम जुबान है, इनसे भी दिल एक करो ना। अरे भाई, थूकने के लिए जैसा पॉस्चर बनाते हैं उसे इन्होंने सैल्यूट बना दिया। वो तो गनीमत है कि सरकार ने ताजमहल के अंदर पान और गुटखा खाने वालों को अनुमति नहीं दी, वरना कसम से ये गुटखा खाने वाले ताजमहल को भी लाल किला बना देंगे। इसी तरह कुछ लोगों द्वारा की गई इंटीरियर डेकोरेशन कई सरकारी दफ्तरों और खाली पड़ी दीवारों में राह चलते साफ देखने को मिल जाती है। सड़कें ही क्यों, टॉयलेट, सीढ़ियाँ, ऑफिस की बिल्डिंग के अछूत कोने, ट्रेन के वॉश बेसिन, सब जगह गुटखा खाने वाले मुफ्त राष्ट्र सेवा भाव से अपने मुंह से लार से युक्त गुटके का मिश्रण बड़ी श्रद्धा भाव से रंग देते हैं। अब इनको कौन रोके, क्योंकि जैसे ही रजनीगंधा मुंह के अंदर जाता है लोग अपने को अमीर समझने लगते हैं। हर एड में दिखाते हैं ना, अमीर से अमीर लोग इसे खाते हैं। भाई जिस देश में लोग 4 ग्राम रजनीगंधा का पाउच 18 रुपए में खा कर थूक देते हैं, उस देश में पेट्रोल के बढ़ते दामों पर की चर्चा केवल मजाक है और कुछ नहीं। वैसे मानना पड़ेगा गुटखा खाने वाले होते तो बड़े ऊँचे संस्कार वाले, ये थूक कर केवल तभी बोलते हैं जब बात की कीमत मुंह में पड़े गुटके से ज़्यादा हो। गुटके के पंच लाइनों पर गौर करें तो समझ में नहीं आता कि तरक्की के लिए मेहनत ज़रूरी है या गुटका। भाई इनके लिए तो पैसे पेड़ पर उग रहे हैं। अगले साल ओबामा, टॉम क्रूज, रेनाल्डो सब अक्षय की तरह देखा देखी विमल इलायची खाएंगे। मैसी भी आकर करेगा जुबां केसरी। अपने विदेशी जेम्स बॉन्ड पियर्स ब्रॉन्सन पहले ही रजनीगंधा खाकर ऊंची लोग ऊंची पसंद गा चुके हैं। ऐसे राष्ट्र प्रेमियों के जीवन पर संकट बनकर मंडराने वाले कैंसर के निवारण के लिए हमारे देश की सरकार करोड़ों रुपए का व्यय करती है ताकि इन राष्ट्र प्रेमियों के अमूल्य जीवन की रक्षा की जाए। इसलिए तंबाकू युक्त गुटखा ही क्यों, खाते हो तो बिना तंबाकू वाला खाओ और सड़कों पर राष्ट्र हित में रंग रोगन का कार्य करते रहो। खबर तो ये भी है कि बाबा रामदेव बेहोश होते होते बचे जब एक गुटखा प्रेमी ने उनसे पूछा, काय महाराज पतंजलि के गुटखा कब लॉन्च होगी। आप भी राष्ट्र प्रेमी हैं तो गुटखा खाएं, प्रतियोगिता में शामिल होकर पुरस्कार पाइए। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।